Hello student, today we are going to discuss our topic profit and loss in exercise problem, exercise 11A. इससे पहले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूला सबको देख चुके थे. फिर लेक्चर 2 में हमने उसके फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा था एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन 1, 2, 3 टाइप का प्रॉब्लम देखा था, जिसमें CP और प्रॉफिट या गेन परसेंट दिया रहता था, आपको SP निकालना पड़ता था, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था. दूसरा लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 देखा था. फिर हमने तीसरा लेक्चर थर्ड लेक्चर में हमने बात किया था, लेक्चर 3 में हमने बात किया था कुछ वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज का था, उसमें क्वेश्चन हमने बात किया था एक्सरसाइज 11A का 4, 10 and 16 नंबर क्वेश्चन बात किया था. हमने उससे पहले उसी लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह के प्रॉब्लम जो है आपको को ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड ये लेक्चर हमारा जो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा प्रॉब्लम है, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, जो हमको एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 में सिमिलर क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा. और ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है और एग्जांपल 3, 4 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो ये तैयारी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आपको. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आज. क्वेश्चन नंबर 7 है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, यानी 12 पेन का जो दाम है इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 15 पेन, यानी 12 पेन का जो है सेलिंग प्राइस वह 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है. मतलब 15 खरीद के 12 बेचा जा रहा है, यानी 15 पेन परचेज करते हैं और 12 को सेल किया जाता है, 3 पेन का प्रॉफिट होता है. कितने पेन का प्रॉफिट हो रहा है? 3 पेन का. कितने पेन को खरीदा जा रहा है आपको? तो खरीदा जा रहा है आपको 15 पेन, और कितने पेन को बेचा जा रहा है? 12 पेन को सेल किया जा रहा है, यानी परचेज किया 15 पेन, 12 पेन को सेल किया. तो यानी ऐसे हम देखें तो 12 पेन पे 3 पेन का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. मतलब इन शॉर्ट में बात करें तो हमने परचेज किया, मतलब हमारा CP जो लगा 12 पेन लगा, और हमारा जो CP लगा मतलब 15 खरीदा हमने, 12 में कॉस्ट प्राइस आ गया, उसमें 3 का प्रॉफिट हुआ. 3 का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 3/12 × 100 आराम से निकल जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले ये बनाने का मेथड से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं. देखिए 15 पेन वो परचेज करता है, 12 को बेचता है, यानी इसमें अगर जितना में वो खरीदा, जितना में 15 पेन खरीदा और बेचा कितना? सेल किया, तो उसका पैसा जो है 15 के बराबर आ गया, तो 3 पेन जो होगा प्रॉफिट में आ गया. यानी कि अगर 12 पेन खरीद के वो 3 रुपया कमाता है, यानी कि 12 पेन को अगर वो सेल करता है तो 3 पेन का प्रॉफिट होता है. तो CP हमारा जो हो गया CP/gain × 100, यहाँ पर बात करेंगे गेन है कितना, कितना पेन वो फायदा होता है उसको 3 पेन का सेलिंग करने के बाद फायदा. 12 पेन को अगर सेल करता है तो 3 पेन प्रॉफिट होता है, तो 12 आ गया इंटू 100 कर लेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा ये हमारा गेन परसेंट निकल जाएगा. ये कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट मतलब 15 पेन परचेज करता है, और क्या है कि 15 पेन जितना परचेज करता है उतना में वो 12 पेन बेचता है, 3 पेन का क्या होता है? प्रॉफिट होता है. क्वेश्चन को देखेंगे एक बार. द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट आपको निकालना. तो देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ इस पेन बी 1 रुपीज, एक पेन का हमने कॉस्ट प्राइस माना 1 रुपीज, देन कॉस्ट प्राइस यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल टू 12 रुपीज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कह रहा है कि SP ऑफ 12 पेन इक्वल टू CP ऑफ 15 पेन. देखिए क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल टू क्या है? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन. तो यानी कि 12 पेन का जो आपका SP है वह 15 पेन के CP के बराबर है, तो 12 पेन इक्वल टू 15 पेन का CP कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज 12, तो CP ऑफ 15 पेन इज 15. तो यानी कि SP जो है आपको सेल कर रहा है 12 पेन, खरीदा कितना में, तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे. खरीदा कितना हमने आपको बताया था, 15 पेन खरीद के 12 पेन को बेच रहा है, 3 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना बेच रहा है? CP कितना कर रहा है? 12 पेन बेचने के बाद 3 पेन का, 3 पेन का क्या कर रहा है? वह प्रॉफिट कर रहा है. तो हमारा जो हो गया गेन आ जाएगा, क्योंकि वह 15 परचेज कर रहा है, 12 को सेल कर रहा है, 15 को ही सेल करेगा. सेल तो 15 वो करेगा वह, लेकिन 12 के हिसाब से 15 का जितना कॉस्ट है उतना वह 12 को सेल करके वह इक्वल हो जाता है, 3 पेन का प्रॉफिट होता है उसको. तो यहाँ पर लिखेंगे गेन यानी प्रॉफिट, आप लिखेंगे SP - CP, तो 15 - 12 आपका आ जाएगा 3. अब गेन परसेंट निकालेंगे, गेन परसेंट 12 पेन पे वो 3 पेन का इनकम करता है, 12 पेन पे वो 3 पेन का इनकम कर रहा है, मतलब 3/12 CP में 12 आ गया. ऐसा नहीं करेंगे CP आप कर देंगे आप 15 कर देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 3/15 कर देते हैं, यहीं पर आपका गलत हो जाता है. तो मेन चांसेस यहाँ है कि 12 वो खरीद के 3 पेन
क्या कर रहा है, 12 पेन खरीद के 3 पेन के प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीपी 12 पेन हो गया, प्रॉफिट 3 हो गया, सॉल्व करके निकाल लें, गेन परसेंट आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहां क्वेश्चन देखते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट साफ से क्लियर है कि लॉस परसेंट निकालना है। समटाइम्स यहां पर कभी कभी क्या जाता है कि कह रहा है कि इफ लॉस देन फाइंड लॉस परसेंट, या इफ गेन तो फाइंड गेन परसेंट। इस तरह क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि लॉस गेन आपको क्लियर होने का, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन भी बनेगा सेम। आपको क्वेश्चन को देख के समझना, पहले इस क्वेश्चन को देख के समझेंगे लॉस होता है या गेन होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून यानी कि 16 को सेल करता हुआ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, मतलब 15 को परचेज करके 16 सेल कर रहा हुआ, यानी 15 स्पून जितना में खरीद रहा है, जितना में खरीदा उतना ही दाम में वो 16 को बेच रहा है, यानी 15 परचेज करके 16 बेच रहा है, तो एक का तो लॉस हो गया ना उसका, 15 खरीदा 16 बेचा, एक का तो सिंपल लॉस है। लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है तो नीचे में 15 होगा या 16 होगा, प्रॉब्लम यही आएगा कि 15 देंगे नीचे। देखिए लॉस कितना हो रहा है, वह 15 खरीद के 16 बेच रहा है, तो एक का लॉस हो रहा है उसको, यानी कि 16 खरीद रहा है तभी तो बेच रहा है ना 16 हुआ, तो यानी 16 परसेंट करने के बाद वह 15 में बेच, 15 के रेट पे बेचा, तो 1 का लॉस हो गया, सीपी उसका 15 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1/15 इनटू 100 करके निकाल लेगा। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक यही है, एमसीक्यू सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में दे देंगे तो ऐसे समझेंगे आप, द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, तो यहाँ जब तक 16 खरीदेगा नहीं, लेके आएगा नहीं, तो कैसे वो 15 बेचेगा, तो एक का लॉस के बराबर उसका लॉस हो जाएगा 15, तो 16 लाया जिसमें से वो 55 को सेल करता है जितना दाम में, तो यानी कि सॉरी 15 को यानी 15 को सेल करता जितने में हुआ, उतने में एक का लॉस होता है, यानी टोटल तो सीपी जो आपका हो गया, सीपी हो गया आपको 16, एसपी हो गया, एसपी तो सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस 16 खरीद के क्या है 16 को बेच रहा है, लेकिन वो 15 के रेट में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्लियर रखेंगे आप, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे आप कि कैसे हो गया हुआ क्या हुआ, फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको आगे कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आएगा आप सिंपल देखेंगे क्या खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, उसको देखना है। कह रहा है कि लेस द सीपी ऑफ 1 स्पून बी 1 रुपीज, हम लोग मान लेते हैं, देन द सीपी ऑफ 16 स्पून इज 16 रुपीज, क्यों 16 खरीदता है। अब है एसपी ऑफ 16 स्पून इक्वल टू, यानी सेल किया हुआ 16 स्पून को, सीपी ऑफ 15 स्पून यानी कि जितना में देखिए 15 का दाम में जितना में खरीदा हुआ क्या है 16 को बेच रहा है, एक का नुकसान कर रहा है, यानी लॉस हो रहा है सीपी माइनस एसपी, यानी कि आपको 16 माइनस 15 तो 15 माइनस 16 ये हो गया सीपी हो गया, ये आपको क्या हो गया ये एसपी हो गया, सॉल्व किया 1 आ गया, लॉस निकालना लॉस परसेंट, लॉस बाय सीपी इनटू 100, सीपी आपको यहाँ से आ गया 16 आ गया, कहाँ से सीपी आपको 16 आया, तो सीपी आपको हो गया 16 आ गया, सॉल्व करके निकाल लेंगे आपको, यहाँ आपको आएगा लॉस का वैल्यू हो गया 1, सीपी का हो गया 16 या 100, 100 को 2 से डिवाइड किए 50 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड किए 8 हो गया, फिर 15 को आधा किया 2 से डिवाइड किए 25 हो गया, 50 को 8 को किए 4 हो गया, 25/4 आ गया परसेंट आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 6/1/4% या इसको डेसिमल में लिखना, तो इस तरह लिख सकते हैं, यानी इतना का उसको लॉस होगा क्वेश्चन में। क्लियर है, दोनों एक टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ देखेंगे दो और क्वेश्चन आपको एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 है, उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 16 इससे पहले लेक्चर 3 में हम लोग देख चुके थे, बीच का क्वेश्चन आप बनाएंगे, जहाँ जो डाउट्स आएगा वो पूछ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि मोहित सोल्ड अ वॉच, मोहित एक घड़ी को बेचता है टू करीम एट अ गेन ऑफ 10%। मोहित अपने वॉच को बेचता है, एक वॉच को बेचता है करीम के पास, कितने परसेंट गेन पे, 10% उस पर गेन करता है, यानी फायदा करता है, यानी 100 रुपये खरीदा तो 110 रुपये में सेल कर रहा है उसको, यानी 10% उस पर 100 पे, यानी 100 रुपये में खरीदा तो x प्लस 10% ऑफ x, मतलब आप समझेंगे अगर परचेज करता है वह मोहित 100 रुपये में तो उसको 110 रुपये में बेचता है, 100 प्लस 10% ऑफ 100, मतलब ये 100 और 10% ऑफ 100 जैसे आप निकालेंगे तो 10/100 इनटू 100 ये कट के आपको दे देगा 100 प्लस 10 डेट मीन्स 110। तो मोहित अगर वॉच को अगर परचेज करता है 100 रुपीज में तो उसको 110 में बेचता है, यानी 10 रुपया ज़्यादा में बेचता है। क्लियर है आपको, कैसे 10% ऑफ 10%, अगर 5% होता तो फिर 5 रुपया ज़्यादा होता, 20% होता 20% निकालते, इस तरह ऐड करते, यानी कि मोहित एक वॉच को खरीदता है उसको तो वो सोल्ड करता है, वो परचेज जब तक करेगा नहीं तो वो सोल्ड कैसे करेगा, तो वो सोल्ड करता है करीम को 10% गेन पे, एंड उसको वॉच को क्या करता है, करीम जो है करीम सोल्ड इट टू रहीम, करीम फिर क्या करता है वह मोहित से खरीद के फिर किसी और को बेचता है, वह रहीम को बेचता है 4% गेन पे। ठीक है, तो कह रहा है इफ रहीम पे, रहीम जो है
वह करीम को पे करता है 14,300 फॉर इट, और हाउ मच डिड मोहित परचेज, यानी मोहित कितने में खरीदा था, ये पहला बंदा जो था कितने में खरीदा था, जिसको हमने 100 माना है वो बता रहा है, पूछ रहा है कितने में खरीदा था। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले मोहित खरीदा, वह 10% गेंद पे बेचा किसको, वह आपको बेचा करीम को बेचा, फिर करीम उस जितना में वो खरीदा अपना खरीदा, यानी कि करीम जो है मोहित से 10% देने के बाद खरीदा, यानी मोहित अगर एक्स में खरीदा तो करीम क्या करता है एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स में खरीदा, फिर उसके बाद क्या है, फिर वह उतना जो होगा उसका जो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा उस पर फिर वो 4% का क्या करेगा गेन करके वह रहीम को बेचेगा, रहीम को जो बेचा तो इतना में बेचा। तो आपको बात करना कि मोहित कितना में इसको खरीदा था, क्वेश्चन है बस, 2 बार सेल किया गया, माइंड में रखना है कि कैसे निकालना ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आएंगे लेट द सीपी ऑफ द वॉच ऑफ मोहित बी, यानी मोहित कितने में खरीदा, या ऐसे कह सकते हैं लेट द मोहित परचेज टू द वॉच बी एक्स रुपीज, ऐसे भी कर सकते लेट द मोहित परचेज, यहाँ है जैसे कि आपको हाउ मच डिड मोहित परचेज, लेट द मोहित परचेज वॉच ऑफ एक्स रुपीज, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द सीपी ऑफ द वॉच ऑफ मोहित बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज में खरीदा, देन लैंग्वेज आपका सिंपल वे में आप जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, देन तब क्या है देन मोहित सोल्ड इट टू करीम, मोहित क्या करता है उस वॉच को खरीदने के बाद 10% रेट पर उसको करता है गेन करने के बाद करीम को भेज देता है, यानी कि जो मोहित का एसपी होगा वह करीम का सीपी होगा, मोहित जितना में बेचा करीम उतना में खरीदा, यानी सीपी ऑफ करीम यानी कि एसपी ऑफ मोहित, इसको हम अगर पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं आगे पीछे बेहतर होगा, इसको आप पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, तो यहाँ पर बहुत आसान रहेगा आपको। तो यहाँ पर ऐसे अगर कर लेते हैं, यहाँ पर आप सीपी, यहाँ सीपी ऑफ करीम आप कर सकते हैं, करीम इक्वल टू एसपी ऑफ मोहित कर लेंगे आप, और यहाँ पर यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ डायरेक्टली आपको इस तरह से हो जाएगा। तो एसपी ऑफ मोहित जो है, मोहित सेल किया तो जितना में खरीदा था उतना प्लस, यानी कि एक्स में खरीदा था वह इस पे गेन परसेंट करेगा 10% ऑफ एक्स, तो एक्स का एक्स 10% 10/100 इंटू ऑफ के लिए इंटू एक्स, ये 0 0 को हम कैंसिल करेंगे तो हो गया 1x/10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 LCM लेंगे 10, और 10 से हो गया 10x+1, यहाँ LCM लेंगे 10 × 10, 10 टाइम्स में आएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर 10 × 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 11x/10, यानी करीम जो है इसको आपको इतना में परचेज किया, आपको क्लियर है, करीम जब इतना में परचेज करता है फिर करीम क्या करता है इसको बेचता है, किसको बेचता है रहीम को बेचता है, तो ये जो सी पी ऑफ करीम जो है आपको है ये कॉस्ट प्राइस करीम को हो गया इतना प्लस 4%, जैसे एक्स था तो एक्स प्लस 4% किए थे तब आपको कितना आएगा रहीम का आएगा। तो इसी में हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं आगे, देखिए यहाँ पर यहाँ सब क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा फिर इसको इरेज करने का, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन रखेंगे फिर आइडिया होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। याद रखिएगा क्या क्या था, मोहित कितना में खरीदा था, यहाँ पर क्लियर रखिएगा मोहित एक्स में उसको खरीदा था, यानी परचेज किया था मोहित एक्स में, फिर इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ तक रखते हैं, इसको जरूरत पड़ेगा फिर हमारा कोई जरूरत नहीं है इसका। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो यहाँ तक आने के बाद जो है देखिए अब आपको अब तक ये करीम को मोहित बेच चुका था, यानी कि ये सी पी ऑफ करीम है, देखिए अब जो है आपको सी पी ऑफ करीम आपको है, और रहीम का जो होगा तो देखिए एस पी ऑफ रहीम इक्वल टू, देखिए रहीम का क्या होगा अब क्या है सी पी ऑफ रहीम इक्वल टू एस पी ऑफ करीम, करीम जितना में बेचेगा उतना में खरीदेगा। एसपी ऑफ करीम क्या है, करीम क्या करता है सेलिंग प्राइस करता है करीम, करीम का कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यानी सीपी प्लस क्या आ जाएगा इसमें गेन आ जाएगा, आपको समझने के लिए सीपी है ये करीम जो खरीदा था इतना में खरीदा था प्लस आपको गेन निकालना है, गेन मतलब गेन परसेंट कितना में, तो 4% किसका 4% ऑफ 11x/10 इसका 4%, ये जितना रुपीज आया उस पर वह 4% वह फायदा करके वह बेच रहा है, किसको बेच रहा है आपको इसको बेच रहा है रहीम को बेच रहा है, कौन बेच रहा है करीम बेच रहा है, तो यानी करीम बेच रहा है एसपी ऑफ करीम। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, यानी सीपी बराबर आपको गेन, तो गेन बराबर क्या हो गया 4%, अगर गेन लिखते हैं तो 4% ऑफ 11x, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे, ये लाइन की आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए 4% यहाँ नीचे जो था उस पर वो 4% बेनिफिट करता है एलवन बाई, जैसे पहले में हुआ था एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स करके लिखे थे सेम उसी तरह से 4/100 यहाँ ऑफ के लिए इंटू एलवन एक्स बाई हो गया 10,
अब कैंसिल आप करते हैं, कैंसिल ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक साथ वर्क करेगा ये। तो अगर इसमें आप कैंसिल करते हैं तो ऐसे कैंसिल होगा, 4 1 4 ऐसे 4 25 बार। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 11x/10 और यहाँ हो गया 11 1 11x और ये हो गया 250 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 250 के एलसीएम 250 आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 250 दोनों के। अब ये 250 है तो यह 25 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 5 7 2 5, तो यहाँ पर आएगा 275x+11x। यहाँ जगह नहीं, अब नीचे में कंटिन्यू करेंगे, हम यहीं पर आपको समझाने के लिए कंटिन्यू इस तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं आपको। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 286 हो जाएगा, 286x/250। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, कैंसिल जब आप करेंगे आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना चाहें आप 250 तो ये हो जाएगा 2 1 2 4 3 और ये हो गया 125 हो गया, यानी कि 143 143x/125। ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका नहीं आएगा, यानी कि सीपी ऑफ रहीम जो है आपको इतना आ गया, रहीम इसको परचेस किया इतना में। बट गिवन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द रहीम पे इतना हो रही, रहीम इसको कितना में खरीदा है आपको दिया हुआ, बट गिवन रहीम कितना है, पे इक्वल टू आपको दिया हुआ है इतना, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर थोड़ा तो बट गिवन है, इसको इस तरफ मैं हम ले लूँगा, इधर आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आ गया, ये सेंटेंस को हम लोग इधर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर आते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 143x/125 बराबर, रुपीज का साइन हम दोनों तरफ से हटा देंगे तो ये ऐसा आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये x का क्या रखेंगे इधर 14300, ये इन डिवाइड में है इस तरफ, ये इनटू में हो जाएगा, ये इनटू में, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये और ये कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स में कट जाएगा आपको, और इसको देखेंगे जब तो हमारा हो जाएगा x बराबर 15001 2500, ये आपका आ गया, यानी कि हैंस करके आप देख सकते हैं ये हमारा x किसको माने थे, x मोहित जितना में वह परचेज किया था वह लिखेंगे, यानी कि हैंस इस तरह सेंटेंस दे सकते हैं, हैंस द मोहित परचेज, मोहित इससे कह सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ वॉच ऑफ परचेज वॉच ऑफ द मोहित इज, आप कह सकते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस है, द हेंस द सीपी ऑफ द वॉच ऑफ द मोहित इज, सीपी ऑफ द वॉच ऑफ द मोहित इज इतना आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21 और 22 सिमिलर क्वेश्चन एक जैसा है, 21 डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग 22 आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, हिंट भी दिया हुआ, हिंट की तरह भी बना सकते हैं, या मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से बना सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बाय सेलिंग 36 ऑरेंज, मतलब 36 ऑरेंज को सेल किया जाता है, अ वेंडर सफर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग ऑफ प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, मतलब 36 ऑरेंज को सेल करने के बाद एक वेंडर को है 4 ऑरेंज के इक्वल लॉस होता है, यानी 36 बेचता है तो 4 ऑरेंज के लॉस हो रहा है, यानी 36 बेचने के बाद उसको 4 ऑरेंज के लॉस हो रहा है। इन शॉर्ट में कहा जाता है 40 वो परचेस किया था, 36 में 40 ऑरेंज को जितना भी वो खरीदा था, अगर कहे कि 36 ऑरेंज बेचने के बाद एक वेंडर को 4 ऑरेंज के इक्वल लॉस होता है, यानी 36 वो सेल किया तब उसके क्या है कि जितना सेल किया वो 4 ऑरेंज उस पर क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यानी अगर इन शॉर्ट में अगर बात करें हम 40 ऑरेंज को अगर लेके आए तो 40 ऑरेंज का जितना सीपी होगा उतना में वो 36 ऑरेंज क्या कर रहा हुआ बेच रहा है, तो फायदा हो जाएगा उसे, यानी इन शॉर्ट कहेंगे कि हम
कि 36 ऑरेंज को खरीद के वो 40 ऑरेंज के बेच रहा है, देन 4 ऑरेंज का लॉस हो रहा है, और सीपी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 खरीद के 36 के दाम में उसको बेच रहा है। यहाँ क्लियर रखेंगे, 40 ऑरेंज खरीदा, 36 बेचने के बाद उसको 4 का लॉस हो गया, मतलब 40 वो खरीदा, क्लियर समझिए आप, 40 खरीदा तब 36 में क्या कर रहा है, 36 में 4 का लॉस हो रहा है उसको, मतलब 36 के दाम में 40 को वो बेच रहा है। क्लियर क्वेश्चन में यही है कि वेंडर सेलिंग 36 ऑरेंज सफर अ लॉस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, फाइन इज लॉस परसेंट निकालना है। कह रहा है कि एसपी ऑफ 36 ऑरेंज इक्वल टू सीपी ऑफ क्या हो गया 40 ऑरेंज। क्लियर है, यहाँ पर यहाँ सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, जितना में वो सेल किया आपको 36 ऑरेंज, उतना ही दाम में वो 40 ऑरेंज को परचेज किया था, यानी 40 रुपये में खरीदता है उसको 36 में बेचता है, ऐसा समझिए आप, यानी कि 40 ऑरेंज खरीद के 30 के दाम में क्या कर रहा है, 36 के दाम में ऑरेंज को बेच रहा है। अगर हम थोड़ा सा मानते हैं लेट द सीपी ऑफ 1 ऑरेंज बी 1 रुपीज, देन सीपी ऑफ 40 ऑरेंज भी 40 रुपीज, एसपी ऑफ 40 ऑरेंज भी 36 रुपीज, क्योंकि 40 ऑरेंज को जितना में खरीद रहा है 40 ऑरेंज को 36 में सेल कर रहा है, तभी तो वह लॉस करेगा, 4 के दाम में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कि 40 ऑरेंज में, तब हमारा लॉस आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी हो गया 40 और एसपी हो गया 36, 4 का लॉस, लॉस बराबर लॉस बाय सीपी 200, खरीदा 40 यानी 40 खरीदा, 40 देखेंगे 40, तो यहाँ हो गया हमारा जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसके बाद इधर आ जाएंगे, तो ये लॉस लॉस हमारा हो गया 4 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, रुपीज़ का साइन हटा दिए, सीपी हमारा जो है सीपी है 40 ऑरेंज का खरीदा था और सीपी 200%, इसको निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे मान लेंगे इसको, अगर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करते हैं, 4 कैंसिल करते हैं आप, 4 तो आपको बचेगा 10%, यानी कि 10% का लॉस हुआ, कितना हुआ वेंडर लॉस कितना कर रहा है 10% का, हेंस द रिक्वायर्ड लॉस इज, आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड लॉस परसेंट इज 10%, यही हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी दिया हुआ, आप इसको बनाएंगे देखेंगे, ये आपका जो है सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम होगा फिर पूछ लेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता आप देखेंगे, ऐसे बुक में हिंट किया हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपका रहे होमवर्क का बात रहा, होमवर्क देखेंगे आपको यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद एसडब्ल्यू में आते हैं आप, एसडब्ल्यू क्लियर करेंगे, एसडब्ल्यू में क्या है, एसडब्ल्यू में पहला एसडब्ल्यू जो है आपको एक्सरसाइज आपको बनाना है, एक्सरसाइज L1A के सारे क्वेश्चन को बनाना ऑल, यानी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे आप, सारे बनाएंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आएंगे एक्सरसाइज L1B जो है आपको जो है MCQ बुक में दिया हुआ है, इसको रफ करेंगे आप, बुक में से सही आंसर करेंगे आप, कहीं पे रफ कर लेंगे, उसके बाद जो सही होगा उसमें MCQ टिक कर लेंगे, जिसका आंसर और आपका आंसर रफ से नहीं मिलता वो आप कॉमेंट करके आप पूछ लेंगे, आप व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे आप, ये आपका MCQ पूरा टिक करेंगे। तीसरा जो आपका पॉइंट है लास्ट में जो चैप्टर इंडिंग जिसको कहते हैं टेस्ट पेपर आपको दिया हुआ है, टेस्ट पेपर बोल के L1 नंबर दिया हुआ, टेस्ट पेपर L1 जिसको कहते हैं, टेस्ट पेपर L1 में आपको दिया हुआ है, MCQ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, ट्रू फॉल्स दिया हुआ, इसको बुक में कर लेंगे, जो डाउट्स होगा पूछेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आ गया हो क्लास 7 में, ये चैप्टर फिर क्लास 8 में भी आपको मिलेगा, यानी परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शनल ये सब क्लास 8 में भी आपको मिलने वाला है, इसलिए क्लास 7 में इसको अगर क्लियर कर लेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 8 के बुक में मिलेंगे, हो सकता है तो क्लास 8 के बुक का अभी बुक ले लेंगे आप, बना लेंगे तो बनेगा सारे। अब है आपको PA2 एग्जाम होगा, PA2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, सिलेबस आपका स्कूल के ग्रुप में दे दिया जाएगा, उसके लिए तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद आपको आएगा टर्मिनल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, टर्म 1 इस साल जो होगा आपको इसी PA2 के बाद ही हो जाएगा, आपको सारे चैप्टर आपको पढ़ना है जितने भी लेक्चर कराया गया। अगर अब तक वीडियो नहीं देखे तो आपके पास क्लास 7 का ईच एंड एविट लेक्चर मैं खुद लिया हूँ, तो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे है, फैजली जिसको सर्च मारेंगे आप यूट्यूब पे, क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप एक एक करके वीडियो को आप देख लेंगे, बहुत सारे का नोट्स भी दिया गया है, अपने फ्रेंड्स से कॉन्टेक्ट कर लेंगे जहाँ तक होगा, या नहीं होगा तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली, अपना नाम क्लास रोल नंबर और स्कूल का नाम लिख के भेजेंगे, संजीवी स्कूल लिख के भेजेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि आप स्कूल से बोल रहे हैं, स्कूल क्या आप समझ में आ जाएगा क्या आपके पास है क्या नहीं, नहीं होता पर्सनली कॉल करके आप जो चीज़ चाहिए हम मेरे पास है मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तैयारी कैसे करना है, तैयारी आपको करना है PA2 का एग्जाम भी देखिए, एग्जाम का रिलेटेड क्या है, एग्जाम कंट्रोल आपको बता दे देंगे कैसे एग्जाम होगा क्या होगा कब होगा सारे डेट मिल जाएगा, तैयारी में आपको प्रिपरेशन ले जाना, और पीछे का कोई भी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी सिलेबस नहीं दिया गया, सिलेबस जैसे मिल जाएगा आपको तैयारी करना। तो रखेंगे यहीं पर, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे लेक्चर जो है हमारा, ये सिलेबस में अब हमारे पास 2 चैप्टर और इस टर्म में हमारे पास बचता है, हमारे पास 2 लेक्चर हैं हम देखेंगे, तो हमारे पास 2 एक्सरसाइज आप अगर सिलेबस आपके पास है तो सिलेबस की रिकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 2 बचता है हमारे पास, 2 और 18 और 19 आई थिंक जहाँ तक मेरे पास याद है मुझे, तो 18 और 19 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन साइमेट्री ये 18 में है, और 19 में 3 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल
सिर्फ ये दो है छोटा छोटा एक्सरसाइज, दो लेक्चर 18 में मिलेगा, दो लेक्चर 19 में मिलेगा, दो दो लेक्चर करके ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी चार लेक्चर और अगर होगा तो आपको सिलेबस क्लास 7 के कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपका रिवीजन होगा एग्जाम के बेसिस से, आपको तैयारी करना। तो ये दो लेक्चर है, इसलिए बीच में आपको वीडियो नहीं मिला था क्लास 7 के, बहुत वीक में 6 दिन के लिए वीडियो आपको रोक दिया गया था कि प्रिपरेशन पीछे का कर सके आप। तो आप तैयारी करेंगे, दो है, आप जल्दी जल्दी ये दो लेक्चर देंगे मतलब वह अगला चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर दो लेक्चर देंगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस में दो चैप्टर बचा के रखा गया छोटा छोटा है, आप उसको करेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे, उसको जहाँ जो डाउट्स है पूछेंगे। आज रखेंगे आपको यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे भी हो सकता है कि वीडियो क्लास में मिले, लाइव क्लास में मिले, या हो सकता है इसी तरह से जैसे ऑनलाइन वीडियो क्लास आपको मिल रहा है तो वीडियो क्लास में मिले, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है कि लाइव क्लास हो जाए तो लाइव क्लास में डायरेक्ट हम आपसे लाइव टू लाइव जुड़ेंगे, आप लोग और हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, या हो सकता है वीडियो क्लास हो, तो जैसे भी हो हम लोग जुड़ने वाले नेक्स्ट क्लास में और नया चैप्टर बात करेंगे हमारा जो है आगे का, जो बचा हुआ जो एक्सरसाइज है शायद 18, 19 या 17, 18 जो भी है हमारा उसको देखेंगे।